आइए फिर से एक बार स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केलकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसनमुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। हमारे यहाँ दो हॉस्पिटल है। एक हॉस्पिटल में हम रिलेटिव्स के साथ में पेशेंट लोगों को भर्ती करते हैं, दूसरे हॉस्पिटल रिलेटिव के अलावा पेशेंट लोगों को भर्ती करते हैं। सबके लिए मानसिक स्वास्थ्य और व्यसन मुक्त भारत, ये हमारा संकल्प है और इसके लिए हम काम करते हैं। आज मैं एक पेशेंट स्टडी आपको बताने वाला हूँ। पेशेंट की स्टडी है कि जिसमें यह लड़का जो था, करीब करीब 22-23 साल का लड़का, उसके पिताजी ने उसको लाया। एक बार उसने कैनाबिस लिया, भांग, दोस्तों के साथ में, दोस्तों का प्रेशर, और उसमें एक बार ले लिया। और एक बार लेने के बाद में उसको ऐसे कुछ ना कुछ आंखों के सामने दिखने लगा, हेलुसिनेशन होने लगे, कुछ तो भी आवाज़ें आने लगी, पागल जैसा करने लगा, और उसको घर पे दोस्तों ने लाके छोड़ दिया। दो दिन में वो अच्छा हो गया, क्वाइट हो गया, मगर तब से इंजीनियरिंग जाना, जो कॉलेज में थर्ड ईयर में पढ़ रहा था, जाना ही बंद कर दिया। इंजीनियरिंग कॉलेज में कभी जाना, कभी जाना नहीं, कभी जल्दी निकल आना, नहीं मुझे मूड नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है, मुझे टीचर मेरे अच्छे लगते नहीं, नहीं मेरे को इंजीनियरिंग करना ही नहीं है, ऐसे कुछ ना कुछ बहाने देना और चले आना जल्दी, या जाना ही नहीं कॉलेज में। धीरे धीरे पिछले 6-8 महीने से वो बढ़ते बढ़ते गया, अभी यहाँ तक आ गया कि अभी वो घर के बाहर निकलता नहीं, चुपचाप घर में बैठे रहता है। कभी व्हाट्सएप पे लोगों को मैसेज भेजेगा, कभी यूट्यूब के जाके ऊपर वीडियो देखेगा, या इंटरनेट पे कोई गेम्स खेलते रहेगा, या टीवी वॉच करेगा। घर में बैठा कि इसको तकलीफ देता नहीं, खाना पीना है और बैठेगा चुपचाप, और विचार करते बैठेगा। अभी माता पिता को ये चिंता है कि इसका करना क्या। 8 महीने हो गए वो घटना को, जिस दिन उसने भांग लिया था, अभी तब से इसका जो मेंटल प्रॉब्लम चालू हो गया, तब इसका करना क्या। ये पढ़ाई भी नहीं कर रहा है, ये आगे क्या करना उसकी बातचीत नहीं कर रहा है, घर के कुछ काम करता नहीं है, और करना क्या। ये हो सकता है कि मैंने उनको जब तपास लिया तो मैंने बोला ये हो सकता है कि भाई सिंपल स्किजोफ्रेनिया हो, ये विच वॉज प्रेसिपिटेटेड बाय भांग लिया के बाद में सिंपल स्किजोफ्रेनिया हो गया। हो सकता है कि वो कगार पे खड़ा ही था मेंटल इलनेस के, मानसिक बीमारी के, एक निमित्त हो गया कि उसने भांग ले लिया, अभी वो मानसिक बीमारी हो गई। तो ऐसा काफ़ी होता है कि बुखार आ जाता है, उसके बाद में मानसिक बीमारी हो जाती, कुछ भांग ले लिया, उसका सेवन कर लिया, या कोई फाइनेंशियल लॉस हो गया, नौकरी चली गई, या ट्रांसफ़र हो गई, या कोई झंझट झगड़ा हो गया, या प्रॉपर्टी मैटर है, या ऐसा कुछ तभी किसने कुछ बोल दिया, या फिर ब्रेकअप हो गया, ऐसे कुछ ना कुछ रहते हैं कारण कि जिसके वजह से फिर वो एक तरह के मानसिक बीमार वो बन जाते हैं। और ना पूरे पागल है ये लड़का, ना कोई पागल हो गया था, ना नॉर्मल है, ये बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर भी हो सकता है, ये सिंपल स्किज़ोफ्रेनिया भी हो सकता है, और इनको ट्रीटमेंट देना बहुत कठिन काम हो जाता है हमारे लिए, क्योंकि ऐसा है कि उनको ना कोई दवाई फटाफट काम करती रहती है। काउंसिलिंग के लिए हम बोलते हैं कि भाई माँ बाप को काउंसिलिंग के लिए उसको लेके आ जाए, हम काउंसिलिंग करेंगे, माँ बाप का काउंसिलिंग करेंगे, उसका काउंसिलिंग करेंगे, तो वो तैयार रहते नहीं है। नहीं बोले ऐसा कोई जरूरत नहीं, हम तो बोलते रहते उसको जो बोलना है। वो लड़का खुद बोलता है कि मुझे तो कुछ नहीं हुआ है, मैं तो ऐसे बैठा हूँ घर पे। तो ऐसे से उनको उनका इलाज करना कठिन हो जाता है। मैंने ये लड़का जो लाया था उसको एंटीसाइकोटिक्स दिया, दवाई दिया, उससे थोड़ा थोड़ा फ़र्क उसको पड़ने लगा था, थोड़ा सा मामूली सा फ़र्क है, थोड़ा सा एक्टिव हो गया, ऐसा बोल रहे थे वो। फिर बाद में मैंने बोला भाई अभी ऐसा करते हैं कि हम इलेक्ट्रिक शॉक की ट्रीटमेंट देते, क्योंकि अभी 6-8 हफ्ते हो गए, और 6-8 हफ्ते होने के बावजूद भी ये ठीक नहीं हो रहा है, तभी अब कितने दिन अभी राह देखेंगे, ऑलरेडी 8 महीने आपके हो चुके हैं। तो वो माँ बाप तैयार हो गए, हमने उसको शॉक ट्रीटमेंट दिया। आपको सबको पता ही है कि शॉक ट्रीटमेंट में पेशेंट को मालूम नहीं होता कि अपने को शॉक दे रहे, उसको कुछ दर्द होता नहीं है, कोई डर नहीं है, एकदम सेफ प्रोसेस है। उसको एनेस्थेशिया देते हैं, और एनेस्थेशिया देने के बाद में करंट पास करते ब्रेन में, जिससे कि उसको ब्रेन को करंट बैठने से नॉर्मल आदमी हो जाता है, उसकी थेरेपी हो जाती है। तो वो उसको मैंने 6 इलेक्ट्रिक शॉक दिए, वो काफ़ी उसमें से निकल आया बाहर, काफ़ी अच्छा हो गया। और उसमें बाद में फिर बोला कि ठीक है, अभी मेरी इच्छा भी हो रही है, धीरे धीरे वो कॉलेज जाने लगा। और अभी उसको मैंने बताया कि भाई कम से कम आपको 1 साल तक दवाई लेनी पड़ेगी एंटीसाइकोटिक की, और ये सिंपल्स की जो फ्रेनिया करके वो पूरा, मतलब वो लाइन पे मैंने उसको ट्रीट कर दिया, और अच्छा हो गया अभी वो। तो ऐसे काफ़ी माँ बाप परेशान रहते हैं, समझता नहीं उनको कि भाई करना क्या। एकदम पागल रहा तो फिर डॉक्टर के पास ले जाएंगे, ये पागल भी नहीं है,
और फिर घर में बैठे रहता है, तो तुरंत यदि उसका इलाज हो गया तो ये पूरा नॉर्मल हो सकता है। तो हर माँ बाप को ये देखना है, मैं आपको अपील करूँगा कि देखो आपके बच्चे क्या कर रहे हैं। थोड़ा भी उनको कोई ऐसा दिखाई देता है आपको कि भाई थोड़ा उनको प्रॉब्लम है, तुरंत कंसल्टेशन करना जरूरी है, ताकि अर्ली कंसल्टेशन उनका हो जाएगा, अर्ली ट्रीटमेंट हो जाएंगे, तो वो अपना जीवन अच्छा जी सकेंगे। हमारे यहाँ ऑनलाइन कंसल्टेशन भी करते हैं, लोग हमको ऑनलाइन कॉल करते हैं, हमारी सेवाएँ लोग लेते हैं, और हम लोगों को ऑनलाइन कंसल्टेशन देके भी उनका इलाज करते रहते हैं। आपको यदि अच्छा लगा वीडियो तो जरूर शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो। थैंक यू वेरी मच।